पानी मैंने शामिल कर लिया कढ़ाई में। अब मुझे इसमें जो है वो अंडे रखने हैं, लेकिन अंडे रखने से पहले मुझे इसको चूल्हे पे ले जाना होगा ताकि पानी गर्म हो जाए। जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं अंडे बॉईल कर लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? मैं अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, और दुआ करती हूँ अल्लाह आपको बिल्कुल ठीक रखे, आबाद रखे, आपकी नई ख्वाहिशात को पूरा करे, आजमाइशों से बचाए, बीमारियों से बचाए, और आपको नेक सालिया फरमाबरदार अल्लाह फरमाए, आमीन आमीन। तो चीजें तो मैंने सारी कलेक्ट कर ली हैं और आज हम बना रहे हैं एकदम परफेक्ट और रेस्टोरेंट स्टाइल में अंडा कढ़ी, जैसा कि पानी में चूल्हे पे रख चुकी हूँ। तो आप लोगों ने मुझे फीडबैक में बताना है कि आपको जो चीजें रेसिपी में इस्तेमाल होती हैं वो मैं खाना स्टार्ट करने से, मतलब कि रेसिपी स्टार्ट करने से पहले बताऊं आपको या बाद में बताऊं या साथ साथ बताती चलूं, जैसे आपको आसानी होती है आप मुझे गाइड कर दीजिएगा थोड़ा सा, तो मैं आपको इंशाल्लाह वैसे ही रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी जैसे आप चाहेंगे। तो आपने मुझे ज़रूर बताना फीडबैक में ताकि मैं आप लोगों की आसानी, जितनी आसानी हो सकती है आप लोगों के लिए उतनी आसानी हो जाए। तो सबसे पहले तो मुझे पानी चूल्हे पे रखना था जी, तो पानी रख लिया मैंने, तो पानी गर्म हो जाएगा, आप इसमें अंडे बॉयल करेंगे। अंडा मसाला कैसे बनाते हैं घर में स्पेशल अंदाज में, अगर आपके घर मेहमान आते हैं तो भी आप उनको अंडा मसाला जरूर खिलाएं, क्योंकि ये बहुत ही मजे का और स्पेशल है। तो भी बस मैंने लिए हैं अंडे 10 लिए, एक टूट गया, 9 बाकी अब मुझे इनको पानी में रखना होगा ताकि ये बॉयल हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डर लग रहा कि हाथ न जल जाए। तो अंडे तो मैंने इसमें शामिल कर दिया, अब इसको कवर कर देती हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे ही पानी गरम हो जाए, जोश में आ जाए, तो इस बर्तन को आप चूल्हे से उतार दें और अंडों को बर्तन के अंदर ही रहने दें, ये अच्छी तरह से बॉयल हो जाएंगे। अब हम प्याज को चॉप कर लेंगे। प्याज मैंने लिए हैं 3 अदद, एक छोटे साइज का, एक मीडियम साइज का और एक बड़े साइज का। तो इसको जल्दी से कटिंग के बाद चॉप कर लेना है आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसकी कटिंग कुछ यूं होगी, या आप किसी भी तरह से करने के बाद इसको बारीक बारीक चॉप कर लें। तो प्याज तो तैयार हो गया, अब मैं इसको साइड पे कर रही हूँ। तो अंडे को हम जल्दी से छील लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले अंडा बॉईल करने के बाद हमें क्या करना है, अंडे को ही कुछ सेटमेंट करना है, तो इसलिए अंडे को छीलने के बाद इसको सेटमेंट कर लेते हैं। तो अंडा मैंने अंडे सारे छीन लिए, अब इसको मैं लगा रही हूँ जी मसाला। मसाला क्या लगाना है वो आप देख सकते हैं, नमक लगाना है हस्बे जायका, या 2 चुटकी के बराबर आप नमक लगाएं अंडे को। इसी के साथ हम इसको लगा रहे हैं अंडे को ही हल्दी। हल्दी कितनी लगानी है, ये तकरीबन 3 चुटकी के बराबर आप इसको हल्दी लगाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अच्छी तरह से आपने इनको जो है वो मिक्स कर लेना ताकि मसाला चिपक जाए ज़रा अंडे के साथ, और अंडा जो है वो मज़ेदार सा हो जाए थोड़ा। तो चलें जी, चलते हैं हम अब आगे क्या करना है, इसको कवर करते हैं। तकरीबन 10 मिनट तक इसको हमने कवर करके रख देना है। तो अंडे तो तैयार हो चुके, अब हम चलते हैं मसाले की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम रेड मिर्च लेंगे, क्योंकि बर्तन को आपने हल्का सा गर्म कर लेना, जैसे ही गर्म हो जाए तो इसमें आप रेड मिर्च शामिल करें, और रेड मिर्च के साथ इसमें शामिल करें 1/2 खाने का चम्मच जीरा, और इनको हल्का सा रोस्ट कर लें। तो क्या इसको निकाल लेते हैं। इसमें तो
अब चलते हैं जी अंडे की तरफ। आयल शामिल करें तकरीबन आप 3 खाने के चम्मच आयल शामिल करें। उसी कढ़ाई में मैं आयल शामिल कर लिया मैंने, और अब मुझे आँच जो है वो हल्की कर लेनी चाहिए क्योंकि आँच हाई हो चुकी है ज़्यादा, जो अब आग जल्दी। इसमें अंडा शामिल करना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अंडे को मुझे 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है, भून लेना है। अंडा रोस्ट हो चुका है, फ्राई हो चुका है, इसको मुझे दोबारा से इसमें से निकालना होगा। बिस्मिल्लाह। तो कढ़ाई चलेगी दोबारा से चूल्हे पे, आग सेट मेट कर लें। तो अब कढ़ाई में आयल शामिल कर लेते हैं, 4 से 5 खाने के चम्मच या 2 बड़े चम्मच आप इसे कह सकते हैं। आयल गर्म हो चुके हैं, कढ़ाई ऑलरेडी गर्म थी तो आयल जल्दी ही गर्म हो गया। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी जीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 खाने का चम्मच। इसको मुझे हल्का सा रोस्ट करना है, तो थोड़ा सा मुझे चम्मच चला लेना होगा ताकि अच्छे से रोस्ट हो जाए, फ्राई हो जाए। तो जैसे कि जीरा फ्राई हो चुका है, तो अब मैं इसमें जल्दी से चॉप किया हुआ प्याज शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्याज की फ्राई होने तक हम करेंगे जी मसाला जात को पीस लेंगे जल्दी से, और उसके लिए मैंने एक जार लिया है। आज हम मशीन की मदद से इसको पीस लें। अगर आपके पास मशीन है तो आप मशीन इस्तेमाल करें, अगर नहीं है तो आप जो है वो डंडे की मदद से भी इनको पीस सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीरा 1 खाने का चम्मच, लौंग 10 से 15, 2 पत्ता तेज पत्ता और खुश्क धनिया 1 खाने का चम्मच। और इसके साथ हम और लेंगे जी हाँ काली मिर्च लेंगे हम तकरीबन 15 से 20। हम 1 अदद दालचीनी जो कि मैं ऑलरेडी पीसी हुई है लेकिन मैं इसी में शामिल कर रही हूँ ताकि मिक्सर भी तैयार हो जाए और मसाला भी तैयार हो जाए। तो इसको जल्दी से ग्राइंड कर लेते हैं। तो मसाला मैंने सारा पीस लिया है। तो प्याज जो ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं, इसी जार में हम ये मिर्ची और जीरा भी पीस लेते हैं। तो अब हम टमाटर का जल्दी से पेस्ट तैयार कर लेते हैं, स्मूथ पेस्ट जो इसका हमें तैयार करना होगा, इसलिए मैं इसको भी इसमें मैश कर रही हूँ। 2 अदद मैंने टमाटर ले लिए, इसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। इसको मैं बर्तन में निकालती हूँ और आपको दिखा देती हूँ जी कैसा बना टमाटर का पेस्ट। तो कुछ इस तरह इसका पेस्ट तैयार कर लेना आपने। इसी के साथ मैंने लिया है खुला सा बर्तन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ जी दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/2 कप दही में हम रोस्ट किया हुआ मिर्ची और जो जीरा था वो शामिल कर देंगे। मिक्स कर लें इसको। बाकी तो मसाला तैयार हो गया, और अब हम जल्दी से लहसुन और अदरक का पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे जी लहसुन और अदरक का पेस्ट 3 खाने के चम्मच के बराबर आप कर लें इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको मिक्स करें, 1 मिनट तक इसको फ्राई कर लें। 1 मिनट हो चुका है, इसमें शामिल करते हैं जल्दी से हल्दी 1 खाने का चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच रेड मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जायका नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे मसालों को आपने 1 मिनट तक भून लेना है। इसी के साथ हम इसमें शामिल कर रहे हैं जी टमाटर का पेस्ट। बिस्मिल्लाह।
करने के बाद आप इसको 2 मिनट तक भून लें, फ्राई कर लें। चम्मच को आप चलाते रहें और मीडियम आंच कर लें, यानी कि आग आपने दरमियान इसी कर लेनी है। और इसी के साथ हम इसमें शामिल करेंगे जी मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। दही जो हमने मसाले में मिक्स करके रखा हुआ था इसको आपने इसमें शामिल कर देना है। इसको बर्तन को आपने बिल्कुल ऐसे नहीं छोड़ना है, इसमें आपने थोड़ा सा पानी शामिल करना है और इसको भी इसी में शामिल कर देना। बिस्मिल्लाह। तो सारे मसाले शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल कर रहे हैं सब्ज मिर्च। बिस्मिल्लाह। और पूरे 5 मिनट तक हम इसको जो है वो फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। 5 मिनट फ्राई करने के बाद, भूनने के बाद हम इसमें अंडा शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। तो अंडा शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे पानी 1.5 कप। बिस्मिल्लाह। पानी शामिल करने के बाद एक दफा इसको मिक्स करें। जैसा कि मिक्सिंग हो चुकी है, अब मैं इसको कवर करूंगी। बिस्मिल्लाह। और आंच मैं आपको आग दिखा दूं, आग मुझे बंद कर देनी है कोयले की आग पे। अब ये पक जाएगा तकरीबन, आपने इसको 10 से 15 मिनट तक दम देना है। तो इंतजार हुआ खत्म, तो चलते हैं जी देखते हैं कहाँ तक पहुंचा हमारा अंडा मसाला। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का और बहुत ही अच्छा बना हमारा आज का अंडा मसाला। तो मैं आपको जल्दी से डिश आउट करके दिखा देती हूँ। आज का मज़ेदार सा अंडा मसाला हुआ तैयार। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ढेर सारी दुआओं के साथ। बुजुर्गों को मेरा सलाम कहिएगा। अल्लाह हाफिज़।